व्रत में कम ऑयल का कुछ स्पाइसी और मजेदार खाना हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आज हम बना रहे हैं फलाहारी इडली और तीखी नारियल की चटनी, जिसे बनाना भी आसान है और बस 15 मिनट में आपके व्रत का जायकेदार खाना बन करके तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले इडली बना लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप समा के चावल लेंगे, जिन्हें अच्छे से धो लेंगे, फिर पानी निकाल देंगे और समा के चावलों को एक ग्राइंडर जार में डालेंगे। साथ ही इसमें 1/2 कप दही भी डाल दें और अब इसको ग्राइंड कर लें और एक बारीक पेस्ट बना करके इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सिंघाड़े का या राजगिरी का आटा, तो जो भी आपके पास आटा हो व्रत के लिए वो इसमें डाल लें। 3/4 चम्मच इसमें डालेंगे सेंधा नमक और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। एकदम फ्लफी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे। तो जब तक हमने इसको ढक करके रखा है, तब तक एक कंटेनर में पानी डालें और इस कंटेनर में नीचे कोई जाली वाली प्लेट रख दें या इस तरह का कोई जाली वाला कंटेनर हो तो वो रख दें। बेसिकली हमें इडलियों को स्टीम में पकाना है और पानी इडली की प्लेट को टच नहीं होना चाहिए, यानी इडली मेकर थोड़ी ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। तो पानी को तेज गैस पर बॉईल होने के लिए रख दें और इडली मेकर की प्लेट्स में ऑयल या घी लगा करके ग्रीस कर लें। फिर 5 मिनट बाद में इडली के मिक्सचर को चेक कर लें। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच इनो और इनो डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इडली मेकर की प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और अब सभी प्लेट्स को मेकर में अरेंज करेंगे। अब इडलियों को स्टीम में पकाएंगे। तो पानी अच्छा बॉईल हो गया है, अब इस कंटेनर में इडली मेकर रखेंगे और इसे ढककर तेज गैस पर 7 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। फिर 7 मिनट बाद में हम चेक कर लेते हैं। तो इडली के बीच में एक नाइफ डाल करके देखें, अगर नाइफ क्लीन बाहर आता है तो यानी इडलियां स्टीम हो गई हैं और इन्हें हम कंटेनर से निकाल लेंगे। और इडली मेकर को स्टीमर से निकालने के बाद में इडली मेकर की प्लेट्स को भी अलग अलग कर लें और 2 मिनट बाद में इडलियों को प्लेट से निकाल लें। तो इडलियां तैयार हैं। अब स्पाइसी नारियल की व्रत के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए हम ले रहे हैं 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह फ्रेश नारियल भी काम में ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़े से कम काजू, साथ में 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली भी डाल रहे हैं। काजू मैं यहाँ पर इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि काजू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मूंगफली को स्किप करके केवल काजू काम में ले लें, क्योंकि काजू को भुनना नहीं पड़ता, मूंगफली को भुनना पड़ता है, उसका छिलका भी उतारना पड़ता है। तो अगर आप फटाफट बनाना चाहते हैं तो काजू को लें, धोएं और इस चटनी में डाल लें, बहुत ही बढ़िया चटनी बनेगी। साथ ही इसमें लेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच गुड़िया शक्कर, या फिर आप गुड़ भी काम में ले सकते हैं। 1/2 कप इसमें लेंगे दही और हरी मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर हम नमक मिलेंगे सेंधा नमक,
तो 3/4 चम्मच सेंधा नमक लें, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ग्राइंडर जार में डालें और बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लें। तो लीजिए, चटनी तैयार हो गई है। इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि चटनी को एकदम बारीक ग्राइंड करें, यानी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, तभी इसका फ्लेवर आएगा। तो चलिए, चटनी तैयार है। इसके लिए हमें अब तड़का बनाना है। तो एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तिल। तिल को हल्का सा भुनेंगे और फिर इसमें मीठे नीम के पत्ते डालेंगे। तो तड़का भी तैयार है, इसको चटनी में मिला लेते हैं। तो व्रत के लिए मज़ेदार स्पाइसी फलाहारी इडली और तीखी नारियल की चटनी बनकर के तैयार है। इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि व्रत में भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ स्पाइसी या कुछ अच्छा सा नहीं खाया है। तो आप व्रत भी करें और बढ़िया अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फलाहारी इडली और इस तीखी नारियल की चटनी को बना करके ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।